Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. I am Shubhi and welcome to my shopping vlog. आज हम लोग जा रहे हैं थोड़ी बहुत होली के लिए शॉपिंग करने, तो मैंने सोचा मैं व्लॉग कर लेती हूँ. आज मैं जा रही हूँ स्टूडियो, ऐसे प्रॉपर व्लॉग में मैं फर्स्ट टाइम दिखाने वाली हूँ. वैसे मैं दो बार पहले जा चुकी हूँ. शॉपिंग मैंने एक बार करी है फ्लैट्स की, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. तो मैंने सोचा थोड़े बहुत कपड़े और भी चीज़ें दिखाते हैं, कुछ पसंद आया तो ले लेंगे. सो चलो चलते हैं, लेट्स गो. तो मैं पहुंच चुकी हूँ जूडियो. मैं आई हूँ शिवपुर बाईपास वाले आउटलेट पे, क्योंकि सबसे पास में मेरे घर के यही है. सो या लेट्स एक्सप्लोर. काफी अच्छी कलेक्शन है, कैसा लग रहा है तुमको पहली बार? अच्छा लग रहा है. ओके गाइज, सो आई एम इन ट्रायल रूम और बाहर बहुत भीड़ है. बड़ी मुश्किल से मेरा नंबर आया है, तो चलो फटाफट से कुछ कपड़े ट्राई कर लेते हैं जो मैं ले आई हूँ. सबसे पहले है ये वाइट कलर का टॉप जो कि 599 का था, क्रॉप टॉप था, अच्छा लग रहा था देखने में. नेक्स्ट है ये ड्रेस लैवेंडर कलर की, कलर बहुत प्यारा था बट फिट वॉज वेरी एवरेज. ओके. नेक्स्ट थी ये ग्रीन कलर की मैक्सी ड्रेस, फुल लेंथ थी, पॉकेट वगैरह था तो ये बहुत अच्छा था, बट इसका भी लुक मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ही बोरिंग था. नेक्स्ट ये ड्रेस थी जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट थी, बहुत अच्छा लुक था, बट इसका नेकलाइन इतना डीप था कि मुझे कवर करके वीडियो बनाना पड़ा, बहुत ही ज़्यादा डीप था. बट हाँ, ये ड्रेस बहुत सुंदर थी, इसमें पॉकेट्स थे, तो अगर आप डीप नेकलाइन पहनते होगे तो ज़रूर ट्राई करना इसको. उसके बाद नेक्स्ट थी ये वाइट कलर की ड्रेस, इसके साथ भी वही प्रॉब्लम थी डीप नेकलाइन, बट बहुत प्रिटी ड्रेस थी ये भी, इसका डिज़ाइन बहुत सुंदर था. लास्ट में मैंने ये ब्यूटीफुल से ड्रेस ट्राई करी जो कि बहुत ही कंफर्टेबल, एकदम समर अप्रोप्रिएट थी, बट मुझे ये थोड़ी सही लग रही है, बट आई थिंक 700 इज टू मच फॉर दिस, ऑनलाइन इससे बेटर हो जाएगा. अच्छा, इफ़ यू डोंट नो, जूडियो में मेकअप एंड स्किन केयर की भी कुछ वैरायटी मिलती है, वो भी बहुत ही चीप प्राइस पे, जैसे कि ये बॉडी लोशन जस्ट फॉर ₹99, लिप बाम फॉर 49, नेल पिंस फॉर 79, लिपस्टिक काजल सब कुछ 199 तक के अंडर में. एंड ये फेशियल वाइप्स था बहुत सारे वेरियंट्स में, 29 का मैंने तो एक ये लिया एलोवेरा वाला. एंड देन एक्टिव एसिड्स जैसे कि नाइसिनमाइड, सैलिसिलिक, ये सब वाले शीट मास्क भी थे, काफ़ी कुछ था. बाय द वे, ट्रायल रूम में भीड़ की वजह से मैंने ड्रेसेस ट्राई नहीं करी, बट बहुत ही अच्छा कलेक्शन आया हुआ था, बहुत ही प्रिटी लग रहा था, तो एक बार ज़रूर विजिट करना. एंड बात करें अगर उनके फुटवेयर की, तो वो तो बहुत ही अच्छा है, मतलब एकदम चीप प्राइस पे ट्रेंडिंग फुटवेयर्स मिलेंगे एंड क्वालिटी भी अच्छी खासी है. जैसे कि ये 199 में फ्लैट्स थे, हील्स था, और ज़ारा के जो ड्यूब्स आते हैं ना, ज़ारा में जो स्लिपर्स मिलती है, फ्लैट्स मिलते हैं, उनके भी काफ़ी अच्छे ड्यूब्स थे 299 तक में. सो डेफिनेटली एक बार जाना, चेकआउट ज़रूर करना. नाउ लेट्स एक्सप्लोर मेंस सेक्शन. यहाँ की वाइब मुझे बहुत ही क्लीन, एस्थेटिक, मिनिमलिस्ट वाली लग रही थी, बहुत ही पेस्टल कलर्स में प्यारे प्यारे से कपड़े थे. ये ले रहे हो? मस्त लग रहा है यार. एल है? एल एक्सेल भी तो है, ले लो. उधर ग्रीन है, ये और अपने ले इधर. हाफ फुल एक ही कलर लोगे? ये अच्छा लग रहा है यार. हां, ये अच्छा लग रहा है, सुंदर है, इसको भी निकालो ना. ब्लैक पर भी अच्छा लगेगा. हां, ये दोनों मैच करेगा ना. तो जब तक मेरे भाई कपड़े ट्राई कर रहे हैं, मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ जो मुझे बहुत पसंद आई, कि मैंने अपने लिए एक ले ही लिया. वो था यहाँ का ये डिओड्रेंट, 99 इसकी प्राइस थी, एंड ये इतना अच्छा स्मेल कर रहा था, ब्लू वाला, पर्ल्स नाम था. एंड अगर बात करें यहाँ के मेन सेक्शन वाले फुटवेयर की, तो वो भी बहुत अच्छा था. 399 से शूज़ स्टार्टिंग थे, 799 में बढ़िया क्वालिटी के अच्छे दिखने वाले शूज़ मिल रहे थे, स्लाइड्स वगैरह बहुत अच्छा लग रहा था. मेरे भाइयों की तो बढ़िया शॉपिंग हो गई. काफ़ी सारा सामान है, बट इसमें मेरा कुछ भी नहीं है. चलो
विशाल ज्यादा अच्छा है कि जूडियो? अपने अपने स्थान पे दोनों ठीक है। एक अपना बताओ, पर्सनल चॉइस बताओ। नहीं अपना वही बताओ। दोनों ठीक बताओ। एक तो चलिए जी, बहुत हो गई शॉपिंग वॉपिंग, अब आ जाते हैं असली मुद्दे पे जो कि है खाना। थोड़ा फूड रिव्यू भी हो जाए। तो हमने काफ़ी कुछ ट्राई किया, चलिए देखते हैं हमने क्या क्या खाया। वेज चीज सैंडविच अच्छा दिख रहा है। तो सबसे पहले हमने सैंडविच खाया चटनी के साथ, क्या सही लग रहा था। एंड बाय द वे, इफ़ यू डोंट नो, जब भी हम लोग बाहर जाते हैं ना तो एक ही प्लेट लेके सब शेयर करते हैं ताकि ज़्यादा वैरायटी ट्राई कर सकें। तो मेन्यू क्या है ये? सेव पूरी। सेव पूरी लो में। कैसा है? कैसा है? पकड़ो यार, हम भी ट्राई करें। अच्छा, शायद मैंने बताया नहीं, ये सब कुछ जो भी हम ट्राई करेंगे ना वो जूडियो के आसपास ही मिलता है। अगर आप शॉपिंग करने आ रहे हो तो आपके लिए छोटा सा फूड टूर भी है ये। बाय द वे, ये सेवपुरी भी काफ़ी अच्छी थी। बट जो नेक्स्ट हमने वड़ा पाव खाया था, दैट वाज स्टार ऑफ द डे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, एकदम सॉफ्ट सा बन, टेस्टी वड़ा। वड़ा पाव तो लेने आता है, सर्व कर जाएगा। मस्त दिख रहा है ना। ओके, तो अब हम आ गए हैं जूडियो और विशाल के दूसरे साइड पे। एक गली टाइप था, फूड लेन जैसा, वहाँ पे बहुत कुछ मिल रहा था, जैसे कि आइसक्रीम, सत्तू, लस्सी, व्हाटएवर, और गोलगप्पे मिल रहे थे, मोमोज, बर्गर, इडली, डोसा का भी एक काउंटर था। तो हमने सोचा डोसा ही ट्राई कर लेते हैं सबसे पहले। तो हमने एक मसाला डोसा लिया था, अगेन हम सब शेयर करने वाले थे, शायद मैंने दो प्लेट लिया था, हाँ। और ये सर्व हुआ था सांभर और चटनी के साथ। सांभर बहुत अच्छा था, चटनी वॉज ओके ओके, और डोसा भी ठीक ठाक था, थोड़ा सा नमक तेज था। सो या सो डोसा खाने के बाद हम गए आगे और हमने ट्राई किया वहाँ का मोमोज, जो कि बहुत ही बुरा था। ये बिल्कुल ट्राई मत करना। 20 रुपये में 4 पीस मिला था एंड बहुत ही बेकार था, वेजिटेबल मोमो बहुत ही बेकार। लास्ट में हमने गोलगप्पे खाए एंड ये ऑब्वियसली अच्छा था। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल के चले गए अर्थली बाज़ार, और वहाँ पर मैंने रास्ते में से ये आम पापड़ लिया जो कि मेरा फेवरेट था। मैंने अपने लिए लिया था लेकिन इन दोनों ने ले लिया ब्रदर्स। खैर, उसके बाद हम गए थे अपना फेवरेट मोमोज खाने, जो कि आपको पता ही है मैंने कितनी बार बताया है, अर्थली बाज़ार में वाराणसी जंक्शन करके एक शॉप है जहाँ से मैं तंदूरी मोमोज खाती हूँ, जो कि बहुत सही लगते हैं मुझे। 70 रुपीज़ में 6 पीसेस, थोड़े से एक्सपेंसिव बट या वेरी टेस्टी, वेरी 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 टेस्टी। उसके बाद इसको खाने के बाद हमारे पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं बची थी, बट फिर भी मेरे भाई ने ट्राई किया था गुजिया। गुजिया होली का टाइम है तो हर जगह गुजिया मिल रही थी, तो इसने ट्राई किया, इसका रिएक्शन ही बता रहा है कि काफ़ी अच्छा था। इसने फिर मुझे भी टेस्ट कराया, मुझे भी सही लगा। लेकिन नहीं, हमको खोआ लग रहा है। ज़्यादा खोआ। शेक जूस है। बताने जूस है, शेक जो गया। मिक्स फ्रूट। एंड दैट इज़ इट फॉर माई रैंडम शॉपिंग प्लस स्ट्रीट फूड वाला व्लॉग। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके बाय, आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।